विजय राघवगढ़ महोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और विधायक संजय पाठक ने इस महोत्सव का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने और विधायक संजय पाठक ने हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ किया। विजय राघवगढ़ महोत्सव के उद्घाटन अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि विजय राघवगढ़ की अपनी लोक संस्कृति, परंपरा और लोक संस्कारों का अपना इतिहास रहा है। इसी परंपरा को एक अलग आयाम देने के लिए लगभग 50 एकड़ के एरिया में इस वर्ष से विजय राघवगढ़ महोत्सव मेले का वृहद आयोजन किया जा रहा है। मेले के दौरान देश विदेश के लोकप्रिय कलाकारों के द्वारा विविध प्रकार की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ ही देश की प्रसिद्ध रामलीला का मंचन होगा। ये मेला आने वाले लोगों के जीवन में नई उमंग और उत्साह का संचार करेगा। हरिहर तीर्थ क्षेत्र मेला का शुभारम्भ आज यहाँ पर हुआ है और इस दिशा में मैं शुभकामना देता हूँ और आगामी समय में एक महीने तक जो अभियान चलेगा ये इस क्षेत्र के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए भी, आर्थिक और व्यापारिक दृष्टि से भी ये मेला और ये क्षेत्र और टूरिज्म की दृष्टि से भी बहुत ऐतिहासिक उपलब्धि भरा होगा। विजय राघवगढ़ के विधायक संजय पाठक ने कहा कि महोत्सव समिति की तरफ से क्षेत्र की सांस्कृतिक विधाओं को बढ़ावा देने के लिए विजय राघवगढ़ गॉट टैलेंट का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें गायन, नृत्य, नाटक के आयोजनों में प्रतिभागी एकल एवं सामूहिक श्रेणी में भाग ले सकते हैं। इस मेले के दौरान मनोरंजन के, व्यंजन के, अपने कला प्रदर्शन के, सभी प्रकार के, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, बेटियों से लेकर बुजुर्ग माताओं तक, सभी के लिए हर प्रकार के संसाधन और साधन रहेंगे। इस मेले के अंतिम पड़ाव में जो आखिरी हफ्ता रहेगा 12 जून से 16 जून, उसमें परम पूजनीय जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के श्रीमुख से रामकथा भी होगी और देश के बड़े बड़े संत महात्माओं का यहाँ पे चरण पड़ेंगे। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।